गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे गाइस 6 और मैं रेडी हो गई वॉक करने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। आंखें देखो कितने सूजे हुए, नींद भरी भरी हुई है आँख में बात भी नहीं हो पा रहा है। उठ गई हूँ, बस जाती हूँ। और पहले इतने दिन से इसलिए नहीं क्योंकि सेहत भी नहीं ठीक थी, डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना, फिर उसके बाद लीजी हो गई, जाने का मन ही नहीं किया तो अब मैं जा रही हूँ, तो चलिए साथ आपको लेके चलते हैं गाइस। जैसे कि मैं वॉक करने आ गई हूँ, ये देखिए ची 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 पंछियों की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे फ्रेंड आए नहीं है, मैं आ गई हूँ, मैं कहा मैं कर लेती हूँ कितने दिन नहीं किया तो अब दिल कर रहा है कर लूँ। और मौसम बहुत ठंडा है और हवा चल रही है, मतलब इतनी भी नहीं चल रही है, ठीक है, मतलब ठंडा है। तो चलिए वॉक करते, आजे मेरे साथ वॉक कर लेते तो चलिए मैं कर लेती हूँ, है। ये देखिए गाइस, सूरज निकल गया और इतना अच्छा लग रहा है ना सूरज, बहुत ही बढ़िया। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ इतना बढ़िया लग रहा है यार सूरज, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा चलो आपको दिखा लो, ये देखिए वाओ, मज़ा आ रहा है, मज़ा जिसको कहते हैं ना तो अच्छा लग रहा है। अभी भी वॉक कर रही हूँ, फ्रेंड अभी आए नहीं है तो मैं कर ही जा रही हूँ। मैं कहा चलो आपसे बातें कर लूँ वॉक करते करते, तो चलिए मैं वॉक कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, फूल कितना प्यारा, और ये ग्रीन ग्रीन घास देख के, पेड़ पौधे देख के, फूल वगैरह देख के मज़ा आता है सुबह सुबह ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए तो आपको हो छोटे छोटे फूल दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर। उसका फूल का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, ये देखो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना। ये देखिए ये फूल कितने सुंदर है वॉक करते करते ये दिल कर रहा है तोड़ लूँ, ये देखिए तोड़ ही लिया मैंने। ये देखिए अच्छे है ना फूल, तो चलिए वॉक कर लेते हैं फटाफट, फिर घर भी जाना है। भाई जैसे कि मैं वॉक करके आ गई हूँ और अब मैं पानी भी पी लिया, अब मैं खाने लगी हूँ चने और बादाम। ये देखिए मैंने, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए चने और बादाम भिगो के गई थी, और जाते टाइम में भी मैंने बादाम खा के गई थी। और खा के जाना चाहिए क्योंकि खाली पेट नहीं होता है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो भूख लगने लग पड़ती, मुझे तो लगने लग पड़ती, थोड़ी बादाम बुदूम खा के जाओ फिर एक्सरसाइज वगैरह बढ़िया हो जाता है। और जब मैं गई, पहले तो उठने का आलस था बहुत ज़्यादा, जब उठ के गई तो बहुत ही अच्छा लगा, बाहर मौसम बहुत क्लास था। और जैसे कि यार जो सुबह का वॉक करने जाते हैं ना, वो मेडिसन, एक फ्रेश हवा आता है, बहुत ही अच्छा होता है। और पहले मैं डेली जाती थी, अब मैं छोड़ दिया इसलिए कि डॉक्टर ने मना किया था, जब मैं बीमार हो गई थी तो आलसपन हो गया था नहीं जाना, तो अब फिर डेली जाऊँगी। तो मैं एग भी उबाल के गई थी, मैं एग भी खाती हूँ गाइस इसके साथ, दो एग मतलब उबाल के गई हूँ, उसको अब छीलती हूँ फिर मैं एग खाती हूँ। तो चलिए आप भी डेली वॉक करने जाना और अपनी सेहत को ध्यान रखना और फिट रहना। जैसे कि मैंने घर का सारा काम कर लिया हुआ, और मैंने शावर भी ले लिया और मैंने नाश्ता भी कर लिया, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा सा, मैंने बोला चलो कुछ बनाती हूँ, आपसे रेसिपी शेयर भी करती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस मूरी, और ये बहुत ही फेमस है, ये नमकीन, और ये 10 मिनट में बन जाता है झटपट, बना के रखो खाते जाओ खाते जाओ, जो 10 मिनट में नमकीन बन जाए उसका तो लाजवाब, अच्छा मजेदार है। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, फटाफट तैयारी करते हैं, बनाते हैं 10 मिनट में, फटाफट खाते हैं, तो चलिए चलते हैं। गाइस जैसे कि मैं किचन पर आ गई हूँ और मैंने रख लिया कढ़ाई, ये देखिए, और मैं इसमें डालूंगी गाइस ऑयल, आप घी भी डाल सकते हो, आप ऑयल भी डाल सकते हो, मैं डाल रही हूँ ऑयल, ठीक है, ये मैंने ऑयल डाल दिया, इसको अब गर्म होने देते। जैसे कि मैंने मूंगफली ले लिया, ये देखिए, और इसमें गाइस होता है विटामिन ई होता है, शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इसको हम थोड़ी सी रोस्टिंग करेंगे, इसको थोड़ी सी भूनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए गर्म हो गया, और भूनना जरूरी, इसका कच्चापन है ना वो दूर होगा तभी हमारा नमकीन जो है अच्छा बनेगा। तो भून लेती हूँ मैं 2 मिनट, ठीक है। देखिए गाइस हमारा मूंगफली कितना अच्छा ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल देते हैं, ये भून हो गया है तो ठीक है, ये कितना बढ़िया हुआ, आपने भी ऐसे ही भूनना, ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना, इतना ही करना है तो इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। जैसे कि अब ये हम राई डालने लगे, राई भी ये होने देते, चटकने लगे, बहुत जोर से चटकिएगा, ये देखिए चटक रहा है,
ये हमने 10 किलो लहसुन लिए है, हमने छिलका नहीं ऐसे हमने कुंडे में कूट लिया है जैसे कि ना, इसको भी हम डाल देंगे, इसको ब्राउन होने देंगे। इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, जो लहसुन का टेस्ट है। तो चलिए मैं ब्राउन होने देती हूँ गाइस। गाइस ये करी लीव्स है, ये ग्रीन है, ये हम सारा डाल दिए, ये देखिए सारा डाल दिया। उसके बाद हमने थोड़ी सी चिल्ली काटा हुआ है, ये 3 चिल्ली है, हमने इसको भी डाल देना है। इसको भी हमने अच्छी तरह से ना ब्राउन होने देना है, ठीक है, भूनने दे देना है। ये देखिए गाइस हमारा ब्राउन हो गया। अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे गाइस थोड़ी सी पिंच, 1 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी। फिर उसके बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर, ये देखिए 1 चम्मच। और हम डालेंगे गाइस ये चिकन मसाला, आप चिकन मसाला नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। हम चिकन मसाला डाल रहे, चिकन मसाला आपने नहीं डालना तो जो आपका होता है मैगी मसाला वो डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गाइस। तो चलिए इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए, ठीक है। ये देखिए गाइस ये हम डाल रहे हैं मुरमुरे, ये देखिए इसको भी थोड़ी सी हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन मतलब इसका कच्चापन जो है ना उसको हमने दूर करना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए तो मैं कर लेती हूँ सारा अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए गाइस मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं जो मूंगफली है ये भी सारा डाल दूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी सारा। और जैसे गाइस ये धीमे गैस में आपने भूनना है, मतलब ब्राउन करना है। और गाइस इसमें आप ड्राई फ्रूट जो मर्जी, बादाम काजू सब कुछ डाल सकते हो, मैंने इसलिए डाला नहीं क्योंकि मुझे यही बस मूंगफली अच्छा लगता है। तो और आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, हमारे घर वालों को चीनी पसंद नहीं है, स्पाइसी पसंद है, तो इस करके मैंने इसमें आज चीनी नहीं डाला, नहीं तो मैं चीनी भी डालती हूँ और तो बस बहुत अच्छा लगता है। आप चीनी जरूर डालना आपको चटपटा मतलब खाना है तो, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ गाइस। ये देखिए गाइस हमारा ये देखिए गाइस कितना बढ़िया ब्राउन हो गया है, हमने इतना ही करना है। ये मूरी रेडी है, ये नमकीन कह लो मूरी कह लो, इसको ऐसे नमकीन कहलाया जाता है और बम्बई साइड में ये मूरी कहलाया जाता है। तो ये देखिए अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम खाएंगे। ठंडा हो गया इसका क्रंची ना बहुत ही मस्त आता है, बहुत ही ज्यादा। और इसको आप हफ्ते तक भी रख सकते हो, 2 हफ्ते के तक भी रख सकते हो, इसको बंद करके ना ठंडा हो जाए तो बंद करते हो। ये कुणाल को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे गाइस जब ठंडा होगा तो। आई जैसे कि हमारा जो बनाया था मूरी और रेडी हो गया है, ठंडा हो गया, ये देखिए और कितना बढ़िया ठंडा हुआ है। अब मैं किसी डब्बे में डालती हूँ, ये देखिए ऑसम हुआ है, ये देखिए एक एक दाना कड़कड़ कड़कड़ जो क्रंची टाइप आवाज आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ गाइस थोड़ी घर का सामान लेने, आपको साथ लेके चलूंगी और इसको फटाफट डब्बे में डालती हूँ, फिर खा के फिर निकलते हैं हम फिर, ठीक है। तो आपको साथ लेके चलती हूँ। अब गाइस ये मूरी को टेस्ट करते हैं और क्रंची का मजा लेते हैं, ये देखिए। तो दिखने में तो बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत टेस्टी, क्योंकि मैं पहले ही बनाए। बहुत ही टेस्टी है गाइस, जो हमने लहसुन डाला हुआ है, ये कड़ी पत्ता डाला हुआ है, ये मूंगफली डाला हुआ है, बहुत ही क्रंची इसकी टेस्ट आ रही है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। और चिकन मसाले की भी टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, मुझे तो ऑसम लगा ये देखिए। और आप जरूर बनाना। और ये बहुत ही झटपट 10 मिनट का ये नमकीन रेडी है, कोई गेस्ट है तब भी आप दे सकते हो, कहीं भी खा भी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो चाय के साथ। तो चलिए फटाफट मैं खा लूँ, फिर मार्केट भी जाना है, शॉपिंग करना है, घर का सामान राशन वगैरह लेना है, फिर आपको वहां जाके मिलते हैं। जैसे कि मैं डी मार्ट में आ गई हूँ, आप चल रही अंदर जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइस कुणाल इधर खड़ा है और इधर मैं हूँ, इधर देखो सारे लोग हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, ये देखिए तो हम ले रहे हैं, ये देखिए गाइस इधर अब हम ले रहे हैं, देख रहे हैं साबुन वगैरह क्या लेना है, सर्फ वगैरह। इधर देखिए इधर कुणाल देख रहा है क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं है ना। तो ये देखिए ट्राली पूरी भर गई है, कौन सा यहीं पर होगा।
ये देखिए गाइस, वो काफी बढ़िया बढ़िया कप्स है। चलते हैं हम तो, चलो उधर जाने के कितने जाना, जैसे कि सामान ले लिया, बिलिंग कराते हैं और बहुत ज़्यादा ले लिया हुआ है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। तो चलिए अब बिलिंग कराते हैं, तो फिर घर चलते हैं हम। देखिए गाइस, कुणाल ट्राली लेके आ रहा है, ये देखिए, और काफ़ी सामान है ये देखिए। और जा रहे हैं हम नीचे, अब हमने बिलिंग करा लिया हुआ है, अब घर चलते हैं फटाफट पैक करके। तो ये देखो कुणाल, हाय कुणाल। ये देखिए गाइस, अब हम भुट्टा खा रहे हैं, ये देखिए नमक लगा रहे हैं अंकल जी, और नींबू। इधर देखिए, इधर कुणाल भाजी हेलमेट डाल के ये देखो। तो चलिए अब खाते हैं। ये में अंकल जी लगा रहे हैं नमक, नींबू एंड मस्त। तो अभी हम खाते हैं भुट्टा, तो फिर घर जाएंगे फटाफट, क्योंकि सामान हमने ले लिया है। गाइस, जैसे कि हम घर आ गए हुए और टाइम बज के शाम के 8, बहुत ही टाइम लग गया, क्योंकि लेते लेते घर का सामान आपको पता ही है, दालें लो, कुछ लो, साबुन लो, इतना को तेल तूल ऑयल लेते लेते टाइम लग जाता, बहुत ही टाइम लगा। ये देखिए टाइम, देखो दिख रहा है, 8 बज गए, 8:05 हो गए। तो बस मैं फटाफट खाना बना लूँ। सब्जी तो मैंने दोपहर को बनाई थी, चपाती लगानी है, फटाफट चपाती बनाती हूँ, फिर खाती हूँ। भूख भी लग गई, क्योंकि जो 7:30 खाने वाली हूँ, 8 बज गया। तो बस यही था आज का। आई होप कि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। और जैसे कि एक यार फिर दोबारा कहती है, एक रेड सा बटन है, उसको ऐसे करके दबा दीजिए, क्लिक कीजिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए गाइस, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, बाय।